कैसे हो? ठीक है। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे इंट्रोडक्शन पढ़ा था इंडिया के बारे में, आज इंडिया की हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। क्या टॉपिक रहेगा? इंडिया की मिट्टी। इंडिया की मिट्टी, सॉइल ऑफ इंडिया। सबसे पहले मुझे बताइए कि सॉइल होती क्या है, मिट्टी क्या है, कौन बताएगा? बोलो, मिट्टी क्या होती है बताओ। छोटे छोटे कण चट्टानों के छोटे छोटे कण होते हैं जो मिट्टी का रूप ले लेते हैं। तो मिट्टी किन किन माध्यमों से एक जगह इकट्ठी होती है फिर वो जमीन बन जाती है? नदियों के। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप लोग। तो मिट्टी हमारे लिए ऐसे नॉर्मल चीज है कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज है? बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। मिट्टी के बिना जीवन संभव है? क्यों नहीं? एक लोग बताएं, बताओ खड़े हो जाओ। हाँ बताओ, यहाँ आकर बताओ सारे बच्चों को। ये जैद हैं क्लासिक्स के स्टूडेंट, ये बताएंगे कि मिट्टी के बिना जीवन संभव क्यों नहीं है। अगर मिट्टी नहीं होगी तो फल फ्रूट उगेंगे नहीं, हम लोग भूख के प्यास से मर जाएंगे। केवल फल फ्रूट, फल और फ्रूट तो सेम ही हो गया। मैम सब्जियां, पेड़ हो गए और पूरी खेती, और उससे सबसे बड़ी बात तो जिन पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है वो सारे पेड़ कहाँ उगेंगे? नहीं उगेंगे। तो खाना पीना तो बहुत बाद की बात, पहले ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगी हम लोगों को। ठीक है, ओके गुड। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत की मिट्टी। भारत में बच्चों कई तरह की मिट्टियाँ पाई जाती है, एक दो मिट्टियों के नाम बताएंगे आप लोग? लैटेराइट मिट्टी, हाँ हाँ बहुत सारी, शाबाश। आइए देखते हैं, देखिए ये भारत का नक्शा है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि अच्छे बताओ पर्वतीय भाग ऊपर है या ईस्ट में है या नीचे है? ऊपर है ना, पर्वतीय भाग ऊपर है। तो एक मिट्टी होती है पर्वतीय मिट्टी, माउंटेनियस सॉइल, वो कहाँ पाई जाएगी? ये पूरे क्षेत्र में पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी। और उसके बाद आपको पता है जब हम लोगों ने भारत का डिवाइड किया था इसके भौतिक क्षेत्र, तो हमने पढ़ा था उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठारी भाग, समुद्र तट के मैदान। तो भाई उत्तर का पर्वतीय भाग, तो पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? उत्तर में ही पाई जाएगी। उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान, तो ये विशाल मैदान किसकी वजह से बना है? नदियों की वजह से बना है। नदियाँ कहाँ से बह के आ रही है? पहाड़ों से। अपने साथ क्या लेके आ रही है? वही चट्टानों के छोटे छोटे, पहले तो बड़े बड़े लाते हैं, तो बड़े बड़े तो वहीं टिक जाते हैं जिसे कहते हैं भाभर, तराई। भाभर का क्षेत्र क्या होता है? भाभर के क्षेत्र में होता है कि जब नदियाँ बहती हैं तो अपने साथ बड़े बड़े चट्टान लाते हैं, मतलब हर साइज के रहते हैं, तो सब बड़े बड़े वहीं धर जाते हैं, और जब नदियाँ फिर उसके नीचे बहती हैं है ना, और आगे जाके फिर निकल आते हैं, फिर निकल जाते, तो वहाँ पे बहुत दलदल हो जाता है। तो ये होता है भाभर, फिर तराई, फिर जो छोटे छोटे कण होते हैं फिर वो बिछ जाते हैं, वो होते हैं मैदान। तो यहाँ पे जो मिट्टी है उसे कहते हैं एल्यूवियल सॉइल। क्या कहते हैं? एल्यूवियल सॉइल। तभी यहाँ पे सबसे ज्यादा खेती होती है कि नहीं होती है? तो यहाँ पर पाई जाती है एल्यूवियल सॉइल, मतलब की दोमट मिट्टी। और दोमट मिट्टी भी यहाँ दो तरह की हो जाएगी, ओके? एक खादर और एक बांगर। होता क्या है, देखो जब नदी बह के आ रही है, जब नदी बह के आ रही है तो वो मिट्टी छोड़ती जाती है, तो बीच में तो नदी बह रही है तो बीच वाली मिट्टी तो बह जाएगी आगे, लेकिन अगल बगल मिट्टी छोड़ती चली जा रही है। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर नदी आ रही है, बाढ़ आई बहुत ज्यादा, नदी बहुत चौड़ी हो गई, तो जो मिट्टी किनारे किनारे बहुत पुरानी होती जाती है उसे कहते हैं बांगर। और जो नदी के जस्ट किनारे पर जब नदी छोटी हो गई वहां पर जो इकट्ठा हुई उसे क्या कहते हैं? खादर। तो याद कैसे करेंगे? वो कहते नहीं है
कबाड़ी वाले पुराना सामान भेज दो भंगार में, भांगर भांगर, और नई वाली को क्या कहते हैं खादर, क्या कहते हैं खादर कहते हैं। उसके बाद हमें पता है दक्षिण का पठारी भाग, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, यहाँ पे ज्वालामुखी बहुत फूटे हैं, काली मिट्टी, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि वहाँ से काली रंग का राख वगैरह निकलता है, वही जम जाती है, क्योंकि यहाँ पर पूरी आग्नेय शैल भी पाई जाती है। आग्नेय शैल किससे बनती है? ज्वालामुखी। तो अब तो नहीं, पर पहले जब ज्वालामुखी कभी फूटा होगा, यहाँ जो चट्टाने बनी है वो आग्नेय शैल की, अब आग्नेय शैल से जो मिट्टी निकलेगी वो कैसे मिट्टी बनेगी? तो यहाँ काली मिट्टी। अच्छा, किस एरिया में क्या है? राजस्थान में। यस, जो भारत का जो सबसे बड़ा डिजर्ट है, क्या नाम है उसका? बेटा क्या बोल रहे हैं आप? वहाँ पे क्या है? थार का मरुस्थल है। क्या है? थार का मरुस्थल। राजस्थान में मतलब पूरा रेगिस्तान है, थोड़ा यहाँ गुजरात तक भी जाता है। तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है बच्चों, उसे मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। ठीक है, कौन सी मिट्टी कहते हैं? मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। तो एक मिट्टी हो गई पर्वतीय मिट्टी, फिर एल्यूवियल सॉइल, यहाँ पे वही राजस्थानी मिट्टी, यहाँ महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, थोड़ा पार्ट हैदराबाद, यहाँ मिलती है आपकी काली मिट्टी, और लाल पीली मिट्टी सबसे ज्यादा भारत में मिलती है। ये पूरा पोर्शन, ये सब यहाँ पे कौन सी मिट्टी मिलती है? लाल मिट्टी। यहाँ पर भी कुछ मिलती है। उसके बाद एक मिट्टी और होती है लैटेराइट मिट्टी, जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है वहाँ पे कौन सी मिट्टी मिलती है? लैटेराइट मिट्टी। बारिश मानसून आते हैं तो बारिश कहाँ होती है? केरल में। वेरी गुड। तो लैटेराइट मिट्टी यहाँ मिलती है, घर मिलती है, और मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो यहाँ मिलती है लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, देखिए सबसे पहले पर्वतीय मिट्टी, एल्यूवियल को हिंदी में क्या कहते हैं? दोमट ही कहते हैं। चलो, दोमट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। ये जो आपकी काजू वगैरह होते हैं ना, जो आपके काजू वगैरह होते हैं लैटेराइट मिट्टी में ही होते हैं। बहुत ज्यादा बारिश वाले स्थान पे। तो मिट्टी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो क्या आप छह प्रकार की मिट्टी के नाम आप बता सकते हैं? चलिए अनमोल आइए यहाँ पे और बताइए कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लैटेराइट। ठीक है, तो सबको ये नाम याद होना चाहिए और प्लेस भी याद होना चाहिए, प्लेस भी याद होना चाहिए कि कौन सी मिट्टी सबसे ऊपर कौन सी मिट्टी मिलती है, नीचे कौन सी मिट्टी मिलती है, मिट्टी राजस्थान गुजरात की तरफ कौन सी मिट्टी मिलती है, मिट्टी और मध्य प्रदेश के नीचे महाराष्ट्र कर्नाटक में कौन सा मिट्टी मिलती है, उसके बाद इस छत्तीसगढ़ ओडिशा आंध्र प्रदेश यहाँ सब कौन सी मिट्टी, लाल मिट्टी मिलती है, लाल पीली मिट्टी, कोने कोने में यहाँ बारिश ज्यादा होती है, केरल में इधर कोने में, इधर कोने में मेघालय की तरफ कौन सी मिट्टी मिलती है, मिट्टी। तो ये हो गई हमारी छह तरह की मिट्टी, और मिट्टी हमारे जीवन के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। अगर ये मान लीजिए जो हमारा अर्थ प्लैनेट है ये मिट्टी का ना होकर के गोल्ड का होता तो क्या आप खुश होते? नो मैन। क्या यहाँ पे कुछ हो पाता? नो मैन। नहीं, तो इसीलिए हमें मिट्टी को बर्बाद नहीं करना है, मिट्टी की हमें देखभाल करनी होती है। खेती में भी देखते हैं ना, जो मिट्टी खराब रहती है उसको हम लोग अच्छा करने के लिए कई तरह के ट्रीटमेंट करते हैं, और इस मिट्टी के लिए ही लोग जान दे देते हैं, चाहे वो सैनिक हो चाहे किसान हो। किसान भी तो कितना काम करता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।